हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन रीजंस के बारे में बात करना चाहूंगा जिस वजह से वो एस्पिरेंट्स बैंक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते जो इयर्स ऑफ इयर्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ऐसे पांच रीजंस को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। और आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करें, जॉब पा लें। देखिए, कोई भी बैंक एग्जामिनेशन जो होती है, नोटिफिकेशन आने के डेट से लेकर ज्वाइनिंग की डेट तक मैक्सिमम 10 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। यानी आपको गवर्नमेंट सेक्टर यानी किसी भी PSU में जॉब के लिए ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे है। आप मेहनत करके, आप एक आइडियल स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो 9 to 10 मंथ आराम से मेहनत कर सकता है। आई मीन कि देखिए, आपके प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर और ज्वाइनिंग तक के लिए आपको 1.25 इयर्स का ड्यूरेशन सफिशियंट माना जाता है। ओके, क्योंकि इनिशियल डेज में एस्पिरेंट को कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो भटक जाते हैं कि आप पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सब कुछ शुरू करने से पहले आपको ये कुछ चीजें जो आपको माइंड में होना चाहिए, माइंड में आपको रेडी करना चाहिए, वो आप से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मैंने भी इन सभी चीजों को खुद पर ही अप्लाई किया था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ओके, तो आज आप पहले ये जान लीजिए कि आप किस टाइप के एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं। देखिए, जो सिलेक्शन होता है मेरिट लिस्ट में, प्री से मेंस में सिलेक्ट होते हैं, मेंस से इंटरव्यू में, और देन आफ्टर आप आते हैं मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट से सपोज कीजिए 1000 वैकेंसी है किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उससे 3 to 5 times इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। I mean, 3000 से 5000 स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, उनमें से सिर्फ 1000 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ओके, मेंस एग्जामिनेशन में इन 1000 का कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 टाइम्स भी लेता है, कोई 15 टाइम्स भी लेता है, कोई 20 टाइम्स भी। तो ऑन एन एवरेज 15 टाइम्स आप एज्यूम करके चलिए कि ये 15 टाइम्स मेंस में फिल्टर होते हैं, प्री से मेंस के लिए फिल्टर होते हैं। आई मीन कि कितने भी स्टूडेंट प्री में बैठ जाए लेकिन मेंस के लिए ऑन एन एवरेज 15 टाइम्स ही नंबर ऑफ वैकेंसी स्टूडेंट सीट करते हैं। ओके, अगर आप पीजी डीवीएफ कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंटरव्यू में 3 to 5 times स्टूडेंट ही सिट करते हैं, फेस करते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में वो आते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रियल एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, रियल चीजें हैं जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा या तो उस पर वर्क करना करेगा और आप उसको ओवरकम करके जितने जल्दी आप इस पर ओवरकम कर लें वो आपके लिए बेनिफिट होगा और आप उस चीज को अच्छे से पा सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बोलते हैं कि विद इन अ मंथ, एक मंथ के प्रिपरेशन में उन्होंने बैंक की एग्जामिनेशन क्लियर कर ली। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं 5% स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, वो एक्सेप्शन के सीरीज में आते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप उनको काउंट मत कीजिए, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ओके, और नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है। जो ये 1 month में प्रिपेयर होकर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। या तो इनका बेस काफी स्ट्रांग होता है, इनका बेसिक स्कूलिंग काफी अच्छी हुई रहती है और इनका जो माहौल होता है काफी अच्छा होता है, डेट्स वाई ये जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, आपका क्या होना चाहिए, आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मल्टीपल एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, हम सोचते हैं यार कोई से भी तो जॉब मिल जाए हमें, बेरोजगार बैठा हूँ कोई से भी जॉब मिल जाए। देखिए, अभी तो 2020 ईयर्स है, अभी कुछ दिन पहले ही IBPS PO का रिजल्ट और क्लर्क का आया है ड्यू टू COVID-19, डिले हो गया था और ये प्रोसेस में भी डिले होगा, थोड़ा सा ज्वाइनिंग डिले आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि IBPS PO RRB ये अपने टाइमली अपने शेड्यूल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लें, बट थोड़ा सा डिले होने की प्रोबेबिलिटी है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा बट प्रोबेबिलिटी है। तो आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए क्या होना चाहिए, अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाह रहे हैं
तो आपको बैंक का पेपर पर ही फोकस करना पड़ेगा। आप इसके साथ SSC को मिक्स नहीं कर सकते, रेलवे को मिक्स नहीं कर सकते, आप इससे साथ मैक्सिमम PSC को मिक्स नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो UPSC के भी प्रिपरेशन करते हैं और फाइनली बैंक की जॉब के लिए भी पेपर देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बैंक प्लस SSC के प्रिपेयर एक साथ देते हैं और दोनों क्लियर कर पा लेते हैं। तो ऐसे में बता रहा हूँ ना कि ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये 5% इस कैटेगरी में आते हैं। आप उन कैटेगरी को स्किप कीजिए, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए फोकस कीजिए। तो आप बैंक एग्जाम से जब भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर है, आप उस पेपर के लिए तैयार होइए। अब बैंक एग्जामिनेशन में भी आपको कौन से पेपर के लिए फोकस ज्यादा होना है, SBI के लिए होना है, IBPS के लिए होना है, RRB के लिए होना है, या फिर डिफरेंट PGDBF के जो कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंक इन फाइनेंस, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तीनों चारों की लेवल बहुत डिफरेंट होती है और सब में आपको PO के लिए रेडी होना है या फिर क्लर्क के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लरिकल पेपर काफी अच्छे से निकाल लेते हैं लेकिन PO नहीं निकाल पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो PO के पेपर क्लियर कर पाते हैं बट क्लर्क नहीं कर पाते हैं। उसका एग्जाम्पल एक मैं खुद हूँ, आज तक मेरे से क्लर्क का पेपर एक भी क्लियर नहीं हुआ है, बट कि मैंने तीन तीन PO के पेपर क्लियर कर लिया था। और आपको इसमें से खुद चूज करना पड़ेगा कि आप SBI के लिए तैयार होना चाहते हैं, IBPS के लिए होना रहे हैं चाह रहे हैं या RRB के लिए। तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप SBI PO के लिए तैयार होइए, आप ऑटोमेटिक इन चारों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। बट आपको अपने स्टेमिना, आपका अपना लेवल खुद से डिटरमाइन करना होगा। उसके लिए आपको टाइमली सारे सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपका फोकस एरिया क्या है। आप बैंक में आ रहे हैं तो कंप्लीटली बैंक के ऊपर ही फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, एक महीना जब एडमिट कार्ड आया बैंक का तो आप चल दिए प्री की तैयारी करने, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम फॉर्म फिलअप करने से, नोटिफिकेशन आने से 6 to 9 months पहले से आपको बैंक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इट्स माई पर्सनल एडवाइस। देखिए उसके बाद आपका सर्कल या ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सर्कल कैसा है, आई मीन कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, आपके जो माहौल है आसपास के वो कैसा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स जो हो बैंकिंग एस्पिरेंट भी होनी चाहिए, वो भी प्रिपेयर कर रहे हो। जहां पर आपको कुछ डाउट हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर पाए, आपको कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर कर पाए। मान लीजिए आप एक FT की क्वेश्चन बना रहे हैं, आप अकेले ऑनलाइन क्लास करके पढ़ रहे हैं बट वो सॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं तो किसी ना किसी के पास उसकी ट्रिक हो जाती है। और उसको समझने में आसानी होता है क्योंकि हम जब सर्किल में होते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्किल होता है वो हमें काफी अच्छे से समझता है और हमें अच्छे से समझा सकता है। तो आपका सर्कल भी उसी पॉइंट पर होना चाहिए आप जिस लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसे बन जाता है। हम जिस लेवल पर प्रिपेयर करते हैं हमारे सर्कल भी वैसे ही होता है। जैसे जैसे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे सर्कल भी इंक्रीज होने होती है। फिर टाइम मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। आपको टेस्ट सीरीज कब देना है ये आपको पता होना चाहिए, आपको कौन से टॉपिक कितने टाइम में कंप्लीट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप डेली पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर, या फिर वीकली पढ़ रहे हैं, या फिर 15 days में, या फिर आप मंथली। तो ये आपको काफी इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में बोलने के लिए कि आप सुबह 3 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप बैठ कब रहे हो, रात के 2 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं ऐसा एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक एफिशिएंट मैनर में आप सपोज कीजिए 2 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो उन 2 आवर्स को सही वे में यूटिलाइज कीजिए। फ्रेंड,
तो टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो डेली उसी टाइम पर टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको एनालाइज अच्छे से कीजिए। आप 1 आवर्स का प्री का टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आप 1 आवर का टेस्ट सीरीज दीजिए, अल्टरनेट डेज पर हमें शेड्यूल बना लीजिए। देखिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप अपना 1 वीक का शेड्यूल बनाइए और एक डेली का शेड्यूल बनाइए, डेली डेली को एनालाइज कीजिए कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है। आप उसको एनालाइज कीजिए कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है और उस टारगेट को 1 वीक तक फॉलो कीजिए। आप देखिए कि 1 वीक में आपने कितनी एफिशिएंसी फॉलो किया है। आपको लगता है कि हाँ आप पुअर हैं, आपसे आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो अपने टारगेट को थोड़ा सा डिक्रीज कीजिए, देन उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ सफिशियंट है, मैं अपने 100% टारगेट अचीव कर ले रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीक आप उसमें से 20% टारगेट को अचीव कीजिए, एक इंक्रीज कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे ना आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आप एज ए फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, उसी में टाइम मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर भी आपको स्टेमिना देखी जाती है कि आप कितने देर सिटिंग कैपेसिटी है, आप कितने देर पढ़ पाते हो, कितने देर न्यूज़ सुन पाते हो, कितने न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नहीं फॉलो कर पाते, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी एटीट्यूड जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप अपने माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको इरेज कीजिए। आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, हाई कॉन्फिडेंस लेवल रखिए कि हाँ आई विल क्रैक, मैं मेरिट लिस्ट में कैसे भी आऊंगा आऊंगी। तो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, आप नेगेटिव पावर नेगेटिव एटीट्यूड वाले से डिस्टेंस बनाइए। आप खुद को और मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। तो यहां से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 3 इयर्स प्रिपरेशन करते हैं, 4 इयर्स प्रिपरेशन करते हैं, बट फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। वो लगभग 95% तक पहुंच चुके रहते हैं, लेकिन आफ्टर डैट वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देते हैं और सिर्फ 5% इनको कवर करना होता है और ये यहां से बाहर आ जाते हैं और फिर प्रिपरेशन छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आपको मैं शुरू में बताया कि फोकस एरिया सिर्फ एक रखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। और लास्ट जो है, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपसे टाइम इन वर्क एफ टी में टाइम इन वर्क का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है? आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन। आप आरसी में रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आप 10 में से 2 नंबर ला रहे हैं, 3 नंबर ला रहे हैं, तो आप उस पर वर्क कीजिए। हाँ, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंज खुद का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं आने वाले टाइम में हाँ 2-3 को इंक्रीज करके मैं 6-7 ले जाऊंगा, देन उसको 8-9 तक टच करूंगा। तो ऐसे ऐसे आप इम्प्रूव कीजिए। डीआई आप सॉल्व कर रहे हैं, डीआई समझ में नहीं आ रहा, उस पर वर्क कीजिए कि हाँ जो चीज आपको पुअर है उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आपका जरूर होगा। आप पजल बना रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई भी पजल स्टार्ट करता है उससे नहीं सॉल्व होते हैं, टाइम देना पड़ता है। किसी भी चीज को सक्सेस पाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप करंट अफेयर आप रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, आप करंट अफेयर पर टाइम दीजिए। आप एक पार्ट वाइज बनाकर अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं किस में स्ट्रांग हूँ किस में वीक हूँ। हम उस स्ट्रांग पार्ट को और स्ट्रांग कीजिए, वीक पार्ट को पर ज्यादा वर्क कीजिए और आप रियली काफी अच्छा करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोटिवेट करनी चाहिए, खुद को इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आने वाले वीडियोस में, आने वाले सीरीज में मैं कुछ ऐसे सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ एज अ बैंकिंग सेक्टर में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं ज्वाइन करने के बाद, या फिर बिफोर ज्वाइनिंग कैसे करना चाहिए आपको प्रिपरेशन, और ये लॉकडाउन अभी चल रहा है तो फाइनली आप कैसे वर्क करना है करना चाहिए आपको, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप कैसे आ सकते हैं। फ्रेंड, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं काफी दिनों बाद अपने चैनल पर आ रहा हूँ क्योंकि ऑफिस से उतना फ्री नहीं हो पाता, बट सोचा कि वीडियो बनाओ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मेरे पास मेल भी थे कि आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जहां तक हो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय।